रायबरेली में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रायबरेली लोकसभा की गणना शहर के आईटीआई संस्थान गोर बाजार में की जाएगी। गणना विधानसभा वार अलग अलग एक साथ की जाएगी। रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक गणना कक्ष में 14 टेबल लगाए गए हैं। खास बात ये भी आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा के लिए सलोन विधानसभा की गणना भी यहीं पर होगी। सुरक्षा की दृष्टि से 1200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज अब हम आईटीआई गोरा बाजार में हैं। 3 टायर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर लगभग 1000 से ऊपर पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई गई है। राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में कांस्टेबल इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फायर के संदर्भ में भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। LIU की ड्यूटी लगाई गई है और हमारा यही प्रयास है कल मतगणना सकुशल संपन्न। देखिए, हम सभी अभी आईटीआई गोरा बाजार के प्रांगण में खड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, यहाँ पर मतगणना के का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जाना है। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था CCTV कैमरा की व्यवस्थाओं के साथ और हीट वेव के दृष्टिगत हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं और साथ ही जो सम्मानित पॉलिटिकल पार्टीज से आने वाले एजेंट और प्रत्याशी सभी लोग के लिए यहाँ पर हीट वेव से संबंधित व्यवस्थाएं करा ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी करा ली गई है। विद्युत आदि सभी तरह की सुरक्षा के लिए व्यवस्था और समस्त इंतजाम करा लिए गए। कितने बजे से शुरू होगी मतगणना? मतगणना की जो कार्रवाई है वो 8 बजे से सुबह शुरू होगी और उसके लिए सभी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और उनके जो एजेंट्स हैं उन सभी लोगों को पूर्व सूचना भी दे दी गई है और सुबह 8 बजे से समय ये कार्रवाई शुरू करेगी। मैम, बैलेट पेपर की काउंटिंग को लेकर क्या प्रोसीजर रहेगा? बैलेट पेपर की काउंटिंग को लेकर क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें पहले जो प्री काउंटिंग की प्रक्रिया है यानी कि स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।